जेकेसी में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं मालनाई के एरिया में। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि कल जम्मू में एक कोविड-19 पेशेंट की डेथ हुई थी और उसको फिर जब उसके अंतिम संस्कार करने के लिए उनको वहां जम्मू के एक एरिया में लिया गया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा वहां पर कुछ हादसा हो और वहां पे कुछ क्लैशेस हुए, तो जिससे ये साफ लगता है पता कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं उसी के साथ साथ हम में जो है बहुत सी चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं, जिसमें ये है कि हम लोगों के शायद कहीं ना कहीं दिल भी दूर हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि जब अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पर वो लोग गए थे और वहाँ पर उन पर पथराव किया गया है, और ये भी सुनने में आया कि जो चिता से जो है जली हुई लाश को वापस जम्मू के मेडिकल कॉलेज में लेना पड़ा, जिससे ज़िला डोडा की आवाम में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि एक ह्यूमन एक्ट है, इसको हम सभी लोग कंडम करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एक सोशल वर्कर और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, और इन्हीं के एरिया के वो जो कोविड-19 पेशेंट थे ये वो इन्हीं के एरिया के हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ और यहाँ के लोगों में कितना गुस्सा इस चीज़ को लेकर। ये शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप हमें बताइए कि क्या हुआ है और यहाँ के आवाम जो है वो उसके अंदर कितना गुस्सा इस चीज़ को लेकर। शाह साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हमारे एक बुज़ुर्ग थे किशोरी लाल जी, जिनका ताल्लुक बारा ब्लॉक से है, हमारे यहाँ त्रोन एरिया से इनका ताल्लुक था। इनकी एक मेडिकल हिस्ट्री थी, ये बीमार थे, पिछले 4-5 सालों से बेड रिडन थे, और उसी के चलते इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में पहले शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे भी इनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, और उसके बाद इनको इनकी जो हालत थी वो मज़ीद बिगड़ने के बाद, क्योंकि उनको अस्थमा की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम थी, उस इनको जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो शिफ्ट किया गया। वहाँ जब इनका ट्रीटमेंट चला तो इनकी वहाँ अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ के बाद कुछ घंटे के बाद बॉडी अभी मेडिकल कॉलेज में ही थी, और इनकी फैमिली को ये बताया गया कि ये जो पेशेंट है ये कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट था, इनकी इसके चलते डेथ हुई। तो जाहिर सी बात है, जो आज इस लॉकडाउन की सूरत हाल में यहाँ से जम्मू जाएं, फिर वहाँ यहाँ से अगर नेगेटिव हो, फिर जम्मू जाके पॉजिटिव हो जाए पेशेंट, और फिर वो वहाँ फंस जाएं, और फिर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कि डेड बॉडी को कोविड-19 के पॉजिटिव के पेशेंट को जो है उसका क्रिमेशन जो है वो जिस एरिया में उसकी डेथ होती है वहीं पे कर रही, तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने जो है मेडिकल जो अथॉरिटीज़ हैं जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने उस बॉडी को प्रॉपर जो प्रोटोकॉल रहता है इस बॉडी के साथ जो रैपअप करते हैं, पूरा इसको कवर करते हैं, और उसको किया और वही नज़दीकी शमशान घाट, जाहिर सी बात है जो कि गेट रहा होगा, वहाँ पे लिया। वहाँ पे भी उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। फिर बाद में एक और दूसरी कोशिश की गई, दुमाना साइड उस बॉडी को लिया गया, वहाँ पे भी लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, और इनफैक्ट जो चिता जो थी उसको आग भी लगाई गई थी और अग्नि के हवाले किया था इस शव को, और अनफॉर्चुनेटली फिर अथॉरिटीज़ को उस शव को जली हुई हालत में वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा और फिर दोबारा से मेडिकल कॉलेज आना पड़ा, और फिर तीसरे अटेम्प्ट में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इसके चलते हम बहुत दुखी हैं, हमारा पूरा जो भाला ब्लॉक है इस वक्त इसमें एक किस्म का हम मातम में हैं इस वक्त, कि एक हमारा जो बुज़ुर्ग जो पहले ही बेचारा बेड रिडन था, और उसके साथ जब उसको उसका अंतिम संस्कार करने की बात आती है तो उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो जाहिर सी बात है फैमिली जो है बहुत दुख में है। तो आप क्या समझते हैं कि हम लोगों में ये हो क्या गया? अगर कोविड-19 में एक तरफ से तो हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, इस बीमारी से लड़ने के लिए सब खड़े हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन थी कोई मर जाता है उसका अंतिम संस्कार, उस पर भी हम हल्ला गुल्ला करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोगों में अवेयरनेस है नहीं है, या हम लोग कुछ और सोच रहे हैं कि हमारे माइंड में क्या चलता है, हमें इस चीज़ का पता नहीं लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? अगर मान लो और शव को चिता के हवाले कर दिया, अग्नि भी लगा दी, उसके बाद ऐसा जो है वहाँ पर लोगों ने ऐसा वो मैं समझता हूँ इसको बहुत ही गलत किया है, ऐसी चीज़ करना, आप इसको किस नज़र से देखिए? शाह साहब, मैं इसी सिलसिले में आज से 20-25 दिन पहले जब प्रीत नगर का हमारा एक सिख भाई कोरोना के चलते जो है उसकी डेथ हुई थी, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके साथ इतनी जाती नहीं हुई,
कि शव को जो है वो चिता से उठाना पड़ा, उनको भी जोगी गेट लाया गया था, फिर उनको वहां से शिफ्ट करना पड़ा प्रीतनगर या डिगियाना के आसपास, उनकी अंतिम संस्कार किया गया। मैं अपने फेसबुक लाइव पेज पे मैं आया था उस दिन भी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बुहार लगाई थी कि मेहरबानी करके जो ये जो शमशान घाट का जो की जो कमेटीज हैं या कब्रिस्तान की जो कमेटीज हैं, इन कमेटीज को बुलाया जाए और इनको समझाया जाए कि देखिए जो बंदा कोरोना वायरस के चलते जिसकी डेथ हो जाती है उसको बरी करना है या उसको उसका क्रिमेशन करना है तो उसके चलते जो है वो जो अमला होता है मेडिकल कॉलेज का वही वो सब चीज़ करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये थी कि लोगों को एजुकेट करते, नारा दिया जाता है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोगों को अवेयर भी करना था कि सोशल डिस्टेंसिंग के ये मतलब नहीं है, ये माने नहीं है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाए कोरोना के चलते तो फिर उसके साथ बिल्कुल कतई ताल्लुक तोड़ दिया जाए, फिर उसको ना जलाने दिया जाए, ना अंतिम संस्कार करने दिया जाए, ना उसको दफनाने दिया जाए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा गैप, कम्युनिकेशन गैप मैं इसको कहूँगा, अथॉरिटीज का, मेडिकल जो हमारा जो यहाँ अमला है उनका और कॉमन जो हमारे लोग हैं उनका। तो आप क्या समझते हैं जो इंतजामिया है, एक तरफ से हम कहते हैं कि ये वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या हेल्थ वर्कर्स हो या बाकी लोग जो जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, तो क्या समझते हैं आप कि उनका जो असली टेस्ट होता है किसी पेशेंट के साथ डील करना या डेथ हो जाना, उसके बाद जो है असली उनका काम शुरू हो जाता है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे वो पहले भी वो बेचारे उनकी जो जान है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज करते हैं, आप तो आपको सभी सब कुछ मालूम है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या कुछ हुआ, WHO के वक्तन फवक्तन गाइडलाइंस आती रहती हैं कि कोविड पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, उसके साथ कैसे आपने वक्त गुजारना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट जो हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारे रिस्क में है, अपनी जानों को जोखिम में डाल के वो काम कर रहे हैं, हम उनके लिए इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कोविड वॉरियर्स की बात की, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, मेडिकल अमला ही फ्रंट लाइन वॉरियर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं इस चीज़ में कमी महसूस मुझे हो रही है कि जब कोरोना पेशेंट की डेथ हो जाती है तो फिर उसको क्रीमेशन ग्राउंड में ले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना या कब्रिस्तान में लेने के बाद उसको दफनाना, यहाँ पे थोड़ा सा और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये डॉक्टर्स की इसमें कोई लापरवाही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखिए लोगों को अवेयर करना, या लोग अगर कोई वायलेंट हो रहे हैं या लोग जो हैं पथराव कर रहे हैं या आपको अधमरी लाश अजली लाश जो है वो चिता से उठा के आपको शिफ्ट करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंतजामिया का फेलियर है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल इंतजामिया जो है उसका फेलियर है, वो लोगों को प्रॉपरली जो है वो एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, उनको उन तक ये मैसेज उन तक ये अवेयरनेस पहुंचा नहीं रहे हैं कि भाई जब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर ये वायरस जो है ये हवा में धुएं में ये नहीं फैलता है, यहाँ पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है इसमें कम्युनिकेशन। तो आप समझते हैं कि इसमें दो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये कब तक ये पैंडेमिक चलता है इसका कुछ पता नहीं है, और जो ऐसे ऐसे के हादसे जो होते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये कहीं कुछ और रंग में ना ये चला जाए, जिससे जैसा कि एक हादसा कल जम्मू में हुआ और जो हमारे लोग हैं काफ़ी इस चीज़ से नाराज दिख रहे हैं। देखिए कल जो ये आप जिन जो पिशोरी लाल जी की आप बात कर रहे हैं, तो जब ये हुआ तो मैं आपको सच बताऊं कि बड़ा एक पैनिक क्रिएट हो गया था पूरे ब्लॉक भाला में, और इनफैक्ट अगर टाइमली एक्ट नहीं किया होता एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यहाँ पे लोग सड़कों पे आ जाते और इसके लिए बाज़ाब्ता एक प्रोटेस्ट भी होता और इंतजामिया को फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता था, लेकिन वक्त रहते एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्ट किया और DC डोडा ने DC जम्मू के साथ जाहिर सी बातें बात की होगी, तो उसके बाद जो है मामले को सेटल किया गया, लेकिन वक्त आ गया है। देखिए कोरोना के चलते 2% इसका डेथ रेट है, अब अगर 2 लाख हमारे हिंदुस्तान में पॉजिटिव हैं
तो लोग तो मरेंगे ना, 2% के हिसाब के एतबार से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर भी तो लोग मरेंगे, उनको कहीं ना कहीं तो आपको उनको अग्नि के हवाले करना है, कहीं ना कहीं उनको आपने दफनाना, कब्रिस्तान में उनको जगह देनी है, तो आपको लोगों को वक्त आ गया है कि आप लोगों को एजुकेट करें। जैसे आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए एजुकेट कर रहे हैं, वैसे ही पैरेलल लाइंस पे आप लोगों को ये भी समझाएं कि इस डेड बॉडी के साथ प्रॉपरली इसको कैसे हैंडल किया जाए, और लोगों को इसमें घबराने की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को कहीं सड़क पे तो ऐसे तो फेंक नहीं सकते, किसी दरिया में या नाले में फेंक नहीं सकते, उसको जब तक ना आप अग्नि के हवाले या दफनाएंगे नहीं, तो तब तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो एक इनह्यूमन एक्ट उसको हम मानेंगे। तो मेरी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी, खास करके हमारे LG साहब से, कि वो जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं हमारी यूटी के, उन सबको ये चीज़ भावर कराएं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की जब डेथ हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार प्रॉपरली बड़ी बड़ी बड़े अदब के साथ, जैसे हम बाकी लोगों का जो है अंतिम संस्कार उनको दफनाते हैं, वैसे ही इन पेशेंट्स के साथ, इन डेड बॉडीज के साथ भी बिहेव किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बात करने के बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद मोहन साहब, जिनसे हमने बात की, और इन्हीं के ब्लॉग के वो जो पेशेंट थे जिनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, हालांकि हिस्ट्री उनकी अलग रही है, लेकिन चलिए आप अगर कोविड-19 पेशेंट ही मान लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो बेहरमती की गई उनकी लाश के साथ, और आखिर में जो है इन्होंने आपके साथ वजात से बात रखी है, तो हमारी भी यही गुजारिश है सरकार से, एडमिशन से, कि इन चीज़ों पर जो है गौर किया जाए, अगर हम कोरोना वायरस जिनको कहते हैं, और उनको भी चाहिए कि ये जो है एजुकेशन लैक ऑफ नॉलेज जो या फिर सोशल अवेयरनेस नहीं है उस पर काम करें। बद्रवा से मैं नासिर शाह, जेके सी।